माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, जन्माष्टमी की तैयारियां मैंने कैसे कैसे की थी वो वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया है और उसके बाद से मैंने ये कंटिन्यू किया है। तो अगर आपने पहले वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे भी देख लीजिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए सिंगाड़े का आटा का हलवा, जो कि मेन होता है कृष्णा जी के। कृष्णाष्टमी में हम ये ज़रूर हलवा बनाते हैं और हमारे यहाँ इसका भोग भी लगता है। तो इसके लिए मैंने लिया है पीतल की कढ़ाई। इसमें हमारे जो नॉर्मल खाना होता है, मतलब घर में जो डेली सब्जियाँ बनती है, वो नहीं बनता। ये कढ़ाई जो है ना, ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैंने घी डाला है। घी डालने के बाद मैंने मूँगफली डाला है और जो व्रत वाला जो खाना होता है वो हम ऑयल में नहीं बनाते हैं, हम घी में ही बनाते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे भूनेंगे और उसके बाद मैं इसमें सिंगाड़े का आटा को डाल दूंगी और इसके बाद हम इसे भूनेंगे जब तक कि हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद सिंपल जैसे हम हलवा बनाते हैं, इसमें हम पानी डालेंगे और उसके बाद ये जब तक पक ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे धीमी आँच पर। मारा बच्चा आजकल पूछता है कौ खोल रही मम्मी, कौ खोल का देखिए, ये आजकल बोलता है का का क्या कर रही है, क्या कर रही है। ला बैठ जा, बैठ जा, ये किचन में बैठ के अभी सारा बर्तन छीटेगा ना बेटा, छीट ले बर्तन, तू छीट ले बेटा। बेटू बेटू, ये हमारे बेटू का फेवरेट जगह है किचन, यहाँ आके ये बर्तनों से खेलेगा। सो गाइज, फाइनली मेरा ये हलवा बनकर हो गया है तैयार, देख सकते हो। जय कर बेटा, ए बेटा जय करो, जय कर, जय 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 करो सोना। जरा पियो कपड़ा सब दिखाएं कृष्णा जी वाला। जय कर मेरे सोना, जय कर। ए दीदी कपड़ा है दिखाओ। अरे हमको गिरा देगा ये लड़का। तो ये रहा हमारे कान्हा जी का ड्रेस, जो कि बहुत ही सुंदर है। कलर देख सकते हो इसका, ब्लू रंग का है और साथ में मुकुट है, माला है, बांसुरी है और मोर पंख है। मोर पंख के बिना उनका श्रृंगार अधूरा है। तो ये रही उनकी बांसुरी और उधर फल फ्रूट है। यही शॉपिंग हुई थी हमारी, तो मैं पिछले ब्लॉग में नहीं दिखा पाई थी। तो ये हमारे कान्हा जी शाम को पहनेंगे। हमारा कान्हा जी उधर है। दो चीज़ रह गया था मंगाने के लिए, एक केक और दूसरा लड्डू। तो जो कि ये शाम को आया था मेरा भाई, तो लेकर आया था। और ये हमारा बच्चा है, ये जब गाड़ी का आवाज़ सुनता है तो उसे गाड़ी में बैठना रहता है। चाहे कोई भी ड्यूटी से आए तो वो ज़रूर गाड़ी में बैठता है। तो ये देखिए हमारा केक आ गया है, जो कि आज हम 12 बजे के बाद केक कट करेंगे। नहीं, इज दैट क्लियर? केक मैं काटूंगा, किसी को बताएगा? हाँ ठीक है, जगह रहना 12 बजे तक, किसी को बताएगा नहीं, इतना याद रखना। सो गाइस, तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया ही नहीं कि हमारे घर में किसने व्रत किया है। तो मैं, मेरा व्रत है और साथ में इस साल फर्स्ट ईयर है, मेरे छोटे वाले भाई ने भी व्रत किया है निर्जला। हम पानी भी नहीं पीते हैं, 12 बजे के बाद हम पानी पीते हैं और जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है उसके बाद। तो ये हमारे कान्हा जी को मैं लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर हम स्नान वगैरह करवाएंगे उनको और सजाएंगे। और हमारे पीहू बहुत परेशान थे क्योंकि अगल बगल में दो लोगों ने और भी झूला रखा था, कान्हा जी को उन्होंने तैयार कर दिया था नहला कर। तो पीहू हमारी बहुत परेशान हो रही थी कि हमारे कान्हा जी को जल्दी से तैयार करो। तो मैंने भी नहाया जल्दी से, और जल्दी से नहीं, इस बार के जन्माष्टमी मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से हम शूट करेंगे वीडियो, बट वही होता है मेरे साथ, मैं जो सोचती हूँ ना वो कभी नहीं हो पाता है।
तो अभी तो देख रहे हो आप, लाइट है, थोड़ी देर बाद लाइट भी कट जाती है और बहुत भयंकर वाली बारिश आज हुई है। तो कान्हा जी हमारे नहा चुके हैं, पंचामृत से हम नहलाते हैं, दूध दही घी और हनी और क्या था, गंगा जल शायद, तो ये पांच चीज़ों से इन्होंने नहलाया हमने। उसके बाद फिर ड्रेस पहना रहे हैं, और ड्रेस पहनाने का पीहू को ही शौक़ था कि हाँ हम कान्हा जी के लिए ड्रेस वगैरह लाएंगे, तो इसलिए वो गई थी शाम को और लेकर आई थी, शाम को नहीं गई थी, दोपहर को गई थी तो लेकर आई थी। ये मुकुट जो है ना, ये थोड़ा छोटा पड़ गया, उनके सर में नहीं आ रहा था। तो सो गाइस, ये ड्रेस पहनने के बाद वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और हमारे पास पीतल का कान्हा जी नहीं है, ये जो हमारा कान्हा जी है, हम 3 साल से इनकी ही पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पीतल का कान्हा जी लाने पर पूरी सेवा करनी पड़ेगी उनको, उनकी बालक की तरह, इसलिए हम नहीं लाते हैं। तो इसलिए हम ये जो मिट्टी वाला है, हम इनको ही रोज़ नहलाते हैं। ये मेरा भाई जो है छोटा वाला, ये उन्हें रोज़ नहलाता है, उनकी पूजा करता है अच्छे से, और आज भी उसी ने नहलाया। और उसका मन किया कि इस बार हम जन्माष्टमी का व्रत करें, तो उसने भी किया है और मैंने किया है। और झूला तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, जो कि यही लेकर आया था जाकर झूला, और उसके बाद ये सजावट वगैरह हमारी जो फ्रेंड थी उसने किया था। तो देख सकते हो ये लाइट हमारी कट गई और फिर थोड़ी देर के बाद आ गई थी। और हमारे यहाँ 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी, और यहाँ तो अगल बगल में, जैसे कि हमारे यहाँ नहीं, थोड़ी दूर में आधा घंटा 1 घंटा का रास्ता, मतलब इतनी दूर है, बाढ़ वगैरह भी आ गए हैं, बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी। तो यहाँ हमने कान्हा जी को तैयार करके झूला में बैठा दिया है और इनको भोग लगा दिया। भोग में आप लोगों को पता ही है, माखन मिश्री उनका मेन होता है, तो माखन मिश्री लड्डू और जो भी फल फ्रूट आए थे वो सब हमने, और सिंगाड़े का आटा का हलवा, तो हमने भोग लगा दिया है। और हम जन्म नहीं करवाते हैं, हम बस अपने कान्हा को तैयार कर और भोग वगैरह लगा कर पूजा पाठ कर छोड़ देते। बहुत लोग जन्म भी करवाते हैं, बट हम इसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहे मेरे कान्हा जी, कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। हाँ, प्रिंस पीहू दोनों में लड़ाई होती है बाबू के लिए, वो बोलती है मैं लूँगी और ये बोलता है मैं लूँगा। तो यहाँ देख सकते हो बड़े प्यार से पीहू उसे आरती दे रही है। छोड़ दो। क्या बनी हो तुम स्वाति? कृष्णा है, मॉडल कृष्णा। मोबाइल राधा, अरे ये भी राधा। मॉडल कृष्णा देखिए गाइस, मॉडल कृष्णा देखिए गाइस। चलो खड़ा हो जाए, पोज़ दो राधा कृष्णा, पोज़ दो। तो ये सारे पीहू के फ्रेंड है, तो ये बने हैं राधा कृष्णा। हाय गाइस, खुश रहिए आप लोग, खुशी रही है, शादी चलती है। किसको बोल रही इधर, क्या वीडियो को? जो वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा। बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे रहा है। ऐसी गिर गया है तो पहना हुआ है, पहने हुए, लेकिन ऊपर नहीं है, इधर पे लगा हुआ है, छोटा हो गया, छोटा है ना, वो ड्रेस बहुत मस्त है। सुनो, रात को आना 12 बजे के बाद, केक कटिंग करेंगे, ओके? जब मंदिर से आ जाएंगे तब। हाँ, इन्हें की पहले आ जाना, पीहू तो रेडी होगी एकदम। हाय गाइस, तो हम लोग के लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना मत लाइक सब्सक्राइब। और ये क्या बोली, शादी हो जाए जल्दी से, जो वीडियो देख रहा है। कमेंट भी। गुल्लू कुछ बोलो। मैं क्या बोलूँ, ये तो पूरा ही कृष्णा बन गया है। पीहू का फोटो खींचे है, प्यार हो जाएगा। पहनी वही पहन के जाएगी, नहीं नया पहनेंगी, नया वो भी तो उसका नया ही है। फोटो खींच रहा है,
हाय गाइस, तो ये देखिए हम लोग की मौसी तैयार हो चुकी है। ये कितनी क्यूटी लग रही है, ये देखिए ये कितनी क्यूटी लग रही है। पिक्चर ये तो देखिए, इसको भी दिखाओ। ये रेडी हो चुकी है और ये है मेरी छोटी मम्मी। छोटी मम्मी इनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो आप मेरी बुआ का बेस्ट फ्रेंड है। ये वाला पिन मिल गया मेरे, लगा दीजिए। बुआ चाहिए, चाहिए बुआ चाहिए। ये देखिए और एक मौसी आ गई है। ये देखिए ये दोनों बहन है और ये भी उनकी बहनी है। ये देखिए ये तीनों सर की कैसी लग रही है, तीनों देवियां। तो लाइट तो कर चुकी है, बिना लाइट का हम तैयार हुए हैं जल्दी जल्दी और 11:30 हो गया है। हर बार हम मंदिर जल्दी चले जाते थे बट इस बार जो बारिश है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए हम आराम आराम से तैयार हुए हैं और 11:30 हो गया मगर बारिश नहीं छुटी। तो उसके बाद हम चले गए मंदिर और बिल्कुल अंधेरे में हम तैयार हुए थे। जो आपको लाइट थोड़ी सी दिख रही थी वो वाला लाइट था जो कि बल्ब चार्ज हो जाता है लाइट कटने के बाद, वो जलती है, वही वाला था। तो उसी में मेरा थोड़ा सा वीडियो बन गया जैसा तैसा और बहुत अच्छे से मैंने सोचा था कि मैं इंस्टा पे भी वीडियो बनाऊँगी इस वाले लहंगे में बट नहीं बना पाई। और ये जो आप नेकलेस देख रहे हो ये मेरे हस्बैंड जी पिछले बार जब आए थे तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके मुझे ले जाकर और ख़रीदा था मेरे लिए कि ये ले लो ये ले लो। मैंने बोला नहीं लेना, क्या करूँगी मैं इसका, बट नहीं उन्होंने बोला नहीं ये लो। तो फिर मैंने आज के दिन उसे पहना और लहंगे के साथ वो अच्छा लग रहा था। और जैसे ही 12 बजा तो उन्होंने वीडियो कॉल भी किया था, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे तैयार होती हूँ। तो मैंने उनको दिखाया कि देखो ये वाला हार कैसा लग रहा है, तो वो बहुत खुश होते हैं जब मैं अच्छे से तैयार हूँ, भरी भरी चूड़ियाँ पहनूँ, साड़ी पहनूँ, नेकलेस पहनूँ, तो ये सब उनको अच्छा लगता है। तो फाइनली उन्होंने वीडियो कॉल किया तो उनको मैंने दिखा दिया और हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ भी लाइट है नहीं गाइज, बहुत मन दुखी हुआ। मतलब जो सोचते हैं वो होता मेरे साथ कभी भी नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट ही होता है मेरे साथ। सोच रहे होंगे कि हस्बैंड जी के जाने का वीडियो तो आप मैंने डाला ही नहीं। तो गाइज़ वो 15 अगस्त को जा चुके हैं तो वो वीडियो बाद में आएगा, पहले मैंने सोचा जन्माष्टमी और रक्षाबंधन वाला ब्लॉग अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं वो सारे वीडियोस अपलोड करूँगी। कान्हा जी का जन्म 12:00 है और अभी तक लाइट का पता नहीं है, बारिश धमाधार हो रही है बट अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। इस बार मैंने फौज वाले जन्माष्टमी मिस किया, हमारे फौज में भी जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हम लोगों ने स्टेटस लगाया था तो मैंने देखा और कोई चीज़ देखने के बाद ना और भी याद आता है। तो देखा आप लोगों ने लाइट तो आ गई है और ये जो लड़का है ना ये पीहू के स्कूल में पढ़ता है और साथ में ये लोग ऑटो में जाते हैं, तो ये लाइट रहने नहीं वाली है, थोड़े देर बाद ही अभी जस्ट सेकंड में ही ये कट जाती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं
कि पूरी रात इतनी आंधी तूफान बारिश, ये देख सकते हो आप लाइट कट गई और लाइट बिल्कुल भी नहीं आई। तो मंदिर से आने के टाइम भी बारिश हो रही थी और लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो बस मंदिर से निकलते वक्त आपने देखा झमाझम बारिश हो रही थी और उसके बाद हम घर आए और अंधेरे में ही हमने केक कटिंग किया। कोई भी किसी को भी हमने बुलाया नहीं क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और सारे लोग एक बज गया था हमें घर आते आते। एक बजे आकर फिर मैंने केक कटिंग करवाया, झूला झुलाया कान्हा जी को और उसके बाद मैंने चाय पानी पिया और उसके बाद अंधेरा में क्या ही मैं दिखाती, बस ये थोड़ा सा मैंने दिखा दिया कि हमने केक कटिंग किया है। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दे। ओके, लव यू, टेक केयर।